अगर जिनकी हाइट कम हो जाती कम लगती है ना जीडी में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कट ऑफ अच्छा जाता है इसका, ठीक ठाक जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मतलब रनिंग है ना, वो बहुत टफ है, बहुत आसान नहीं है सबके लिए। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड 40 सेकंड में आपको पूरा 1600 मीटर दौड़ना, इतना आसान नहीं है। मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन सबके लिए आसान नहीं है। ठीक है, 1600 मीटर में बहुत दम लगता है। दोस्तों जय हिंद, हम आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल भी सीएसएफ या बाकी फोर्सेस के तुलना में। आपको बता दें आरपीएफ जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में आता है। ठीक है, उसका जो काम करने का तरीका है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे उनका जो काम करने का तरीका ये है कि गाड़ी जो लोड है अनलोड जहाँ से होती है उसको ले करके जाती है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये, कई बार जो सवारी गाड़ी है उसको तो पता ही है आपको कि डब्बे में भी लोग रहते हैं, तो जहाँ से ट्रेन खुलती है वहाँ से लेकर के कुछ जगहों तक जाती है, कुछ जहाँ पे फिर दूसरे जो आरपीएफ की टीम है वो ले लेती है उसको, मतलब कैप्चर कर लेती है, फिर वो दूसरा चेंज होकर के वापस अपने जहाँ पर से निकल गए थे वहाँ पर वापस आ जाती है, एक नॉर्मल ड्यूटी। इसमें एक और है आरपीएसएफ, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ये आईआरबी जो होता है ना, रिजर्व बटालियन की तरह, ठीक है, उसी तरह ये भी रिजर्व तरह काम करता है। अगर कोई किसी तरह कोई इशू हो जाए तब वहाँ जाती है, नहीं तो नॉर्मल दिनों में जैसे रिजर्व फोर्स की तरह पड़ी रहती है या कभी कभी उससे ड्यूटी भी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें एक खास चीज ये है कि आपसे कि हम बात करेंगे कि मतलब क्या क्या इसका जीडी से रिलेटेड क्या क्या संबंधित है, संबंध है इसका सिलेबस में थोड़ा सा, और इसमें क्या कठिनाई है। ठीक है, इससे पहले ये दोस्त हमारा, ठीक है, असम से है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम कभी इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि ये भाई साहब अभी असम पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि मतलब स्टेट पुलिस जो है वो अपने तुलना में इस मामले में अच्छी है कि आपको घर पे रहोगे, छुट्टी अगर यहाँ से जाओगे, जैसे मैं बंगाल में हूँ, अगर कोई मान लो असम का है तो उसको जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 17 घंटा 17 घंटा लगता है अभी। लेकिन अगर मान लो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सीएसएफ जो है पूरे भारत में कहीं भी हो सकती है, मान लो तमिलनाडु में रहता तो 2-3 दिन लग जाता। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि स्टेट में अगर रहोगे तो छुट्टी का ये यूटिलाइज हो जाता है। ठीक है, और छुट्टी का कोई इशू नहीं रहेगा स्टेट में होगा तो आप ऐसे की मतलब 1-2 दिन छुट्टी मतलब ऐसे लेके आप आराम से घूम सकते हो। ठीक है, ये आपका फायदा हो गया। हम और भाई साहब पढ़ाई कैसे करते हैं ड्यूटी के साथ, जरूर हम कभी इस पे बात करेंगे। बिल्कुल, कुछ चाहो तो थोड़ा बोल दो। दोस्तों देखिए, अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको खुद से टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे आप ऐसे आपको सीएसएफ में टाइम एक्स्ट्रा करके कुछ मिलेगा नहीं कि आपको पढ़ाई करना है कुछ करना है, आपको एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं मिलेगा, आपको ड्यूटी करके ही आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। अब उसी टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हो, आपका अपना समय है ना बाकी चीजों से। जैसे हमारे को कुछ अगर टाइम मिल जाता है तो हम कभी कई बार घूमने चले जाते हैं या दोस्तों के साथ कुछ और करने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसमें आपको समय खुद से निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीआईएसएफ या कोई फोर्स जो है वो आपके उन्नति के लिए यहाँ पे मतलब गलत तरीके से बोल रहा हूँ, थोड़ा ठेका लेके नहीं रखा है, आपको तैयारी खुद करना पड़ेगा अपने उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपको टाइम मिलेगा नहीं, टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी फटाफट आ जाते हैं सीधा आरपीएफ के ऊपर। तो देखो आरपीएफ का जो रनिंग है ना, वो हमारे पिछली बार जब हम भरे थे उस वक्त 5 मिनट 40 सेकंड था, शायद एग्जैक्ट लग रहा है, लेकिन अभी जो है 5 मिनट 45 सेकंड हो गया है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न सेम है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनका भी एज है वो जरूर भरिएगा, 100% लोग भरिएगा। और थोड़ा सा आसान चॉइस बता देते हैं कि कितना आसान कहाँ कहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये पूरे भारत का सेंट्रल भर्ती है, किसी भी जोन में आप कहीं से भी भर्ती से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस की कोई चिंता नहीं है, सेम ही है जीके जीएस। अगर आप पहले से पढ़े हो, पूरी सिलेबस पढ़े हो, तो जीके जीएस में बहुत सारी मदद करने वाले हैं आपकी। ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससीडी के लिए तो है ही। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारा है, जिसमें से मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है और तिरुवनंतपुरम है। इसमें से देखो अभी 5-6 है और भी है, लेकिन इसके बारे में बता दूं आपको, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट जोन में आएंगे। ठीक है, अगर इन सब जगहों पे अप्लाई करते हो तो अच्छा है, लेकिन देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी नौकरी हो जाती है ना तो लगता है यार घर के पास होते, तो सोच समझ के करना, जिनका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है वो कहीं से भी अप्लाई कर दीजिए, हो जाता है तो हो जाएगा। ठीक है, जो लग रहा है थोड़ा डाउट में तो आप इन सब जगहों से अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेंगे और क्या क्या फिजिकल मांगते हैं, लेकिन थोड़ा सा भर्ती बोर्ड के बारे में बता दूं आपको, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर और मालदा मुंबई। तो देखो एक मालदा भी है अपना, जम्मू श्रीनगर भी है। ठीक है, वहां भी कट ऑफ कम कम जाएगा, तो देखो अभी इन सब जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो, और इसमें जीडी की तरह डोमिसाइल का कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिर अजमेर भी है, बैंगलोर है, बैंगलोर भी कर सकते हो, अहमदाबाद भी कर सकते हो, चंडीगढ़,
में सीट तो ज़्यादा रहेगा, फिर इलाहाबाद में भी सीट ज़्यादा रहेगा, चेन्नई भी कर सकते हो, लेकिन इन जगहों पे कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। बिलासपुर भी कर सकते हो, एक समय बिलासपुर में जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम जाता था, हालांकि अभी जो है वो नक्सली गतिविधि कम हो गया है, इसलिए इसका बेनिफिट हुआ है कि कट ऑफ थोड़ा बढ़ने लगा है, ठीक है। लेकिन कर सकते हो, भुवनेश्वर भी कर सकते हो, भोपाल भी कर सकते हो, ठीक है। अभी फिजिकल की थोड़ी सी बात कर लें अगर, तो फिजिकल में देखिएगा इसमें इतना ज़्यादा फिजिकल टफ है अपने जीडी के तुलना में, एकदम समझो कि आर्मी की तरह इसका फिजिकल है, ठीक है, मतलब बढ़िया फिजिकल है इसका। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अगर आप मतलब कॉन्स्टेबल के लिए हो तो आपकी हाइट जो है वो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए जो है वो 160 सेंटीमीटर। अगर जिनकी हाइट कम लगती है ना जीडी में, वो इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कट ऑफ अच्छा जाता है इसका, ठीक ठाक जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो मतलब रनिंग है ना वो बहुत टफ है, बहुत आसान नहीं है सबके लिए, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट 45 सेकंड 40 सेकंड में आपको पूरा 1600 मीटर दौड़ना इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन सबके लिए ये आसान नहीं है, ठीक है। 1600 मीटर में बहुत दम लगता है, सब इंस्पेक्टर के लिए भरेंगे, उनको मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। हाई जंप जो है वो होना चाहिए 4 फिट, ठीक है, और लॉन्ग जंप जो है वो होना चाहिए 14 फिट, ये कांस्टेबल के लिए, और जो सब इंस्पेक्टर है उनके लिए 12 फिट लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है 3 फिट 9 इंच। तो ये जो चीज़ दिख रहा है ना आपको फिजिकल, वो कट ऑफ को बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल कर देता है, ठीक है। जैसे 100 लोग जाते हैं ना तो 5-6 लोग सेलेक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि जो 5 मिनट 40 सेकंड 45 सेकंड है ना, उसके लिए थोड़ा स्टेमिना तो लगता है, जीडी जितना जो है वो आसान नहीं होता है, ठीक है, रनिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा दम लगता है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो अगर फिजिकली आप ठीक हो तो, और नहीं भी तो अप्लाई ज़रूर करिए। कई बार क्या होता है, बड़ा उलटफेर हो जाता है, मोटिवेशन से आदमी कुछ भी कर सकता है थोड़ा सा, अगर स्ट्रेंथ हो, वैसा नहीं कि मतलब कोई भी कुछ भी कर ले ऐसा नहीं, लेकिन अगर चाहे तो कर भी सकते हो, इसलिए आप इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हो जीडी वगैरह के लिए, तो अलग से कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेट प्रैक्टिस लो और प्रैक्टिस करते रहो और लगे रहो, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, जैसे मेरे समय में क्या हुआ था, हम जब लिखे तो उत्तर प्रदेश पुलिस जीडी रेलवे के ग्रुप डी और ये आरपीएफ कांस्टेबल, सारे का एक साथ एग्जाम हुआ था, ठीक है, तीनों में हो गया था, आरपीएफ कांस्टेबल में भी अच्छा स्कोर था, लेकिन कट ऑफ के ऊपर ही था मेरा आंसर की से जो नंबर मिलाया था, लेकिन बाद में कट ऑफ पार नहीं किया, तो बोला दोस्तों ने बोला कि आरटीआई कर दो, लेकिन हम आरटीआई नहीं किए क्योंकि बाकी तीनों में सिलेक्शन हो गया तो फिर दिमाग कौन लगाता उसमें, ठीक है। तो मेरे कहने का ये है मतलब कि आप अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म भरिए और लगे रहिए, ठीक है, कल से फॉर्म भराएगा। जय हिंद। कुछ बोलना है तो बोलना। जय हिंद।